कहीं बुलडोजर चल रही है तो कहीं जेसीबी, एक एक कर बड़े बड़े निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने पिछले दिनों बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को अनवरत जारी रखा है। इस बार मऊ की एक संपत्ति निशाना बनी है। इस संपत्ति का भी कनेक्शन विधायक मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ है। पहले आप स्क्रीन पर मुख्तार के साम्राज्य पर हुई पुलिसिया कार्रवाई की एक झलक देखिए। गाजीपुर, लखनऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, आप तो बस जगह का नाम लीजिए, हर जगह मुख्तार अंसारी के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में मऊ में भी दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रहनी गांव में बने एक अवैध भंडार गृह पर जेसीबी चलाई गई है। भंडार गृह को ध्वस्त करने के लिए दोपहर में कई थानों की फोर्स लेकर डीएम व एसपी स्वयं रहनी गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही डीएम ने उसे ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। उसके बाद बुलडोजर ने चार दीवारी की दीवार समेत पूरे भंडार गृह को कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया। दरअसल तमसा इस अवैध निर्माण को लेकर श्री गंगा तमसा सेवा समिति के महामंत्री छोटेलाल गांधी ने जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी से कई बार गुहार लगाई। वो जमीन ग्राम समाज का होने के कारण उसे गरीब किसान व अनुसूचित जाति के लिए निकाली गई थी। आरोप के मुताबिक इसे बाद में असलहे के बल पर कब्जा कर लिया गया और भंडार गृह का निर्माण करा दिया गया। भंडार गृह को ढहाने के दौरान कई थानों की फोर्स तैनात की गई थी ताकि कोई अप्रिय स्थिति आ जाए तो उसे आसानी से निपटा जा सके। मऊ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रैनी ग्राम सभा जमीन पर बने FCI रेंज गोदाम को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। पुलिस के मुताबिक जमीन का यह बड़ा भूखंड SC ST लोगों के लिए था। पुलिस ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पत्नी द्वारा बिना जिलाधिकारी के आदेश से अवैध कब्जा कर लिया गया था जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस ने इस संबंध में तमाम लोगों पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए हैं। माफिया मुख्तार की पत्नी और उनके सालों के नाम से यहाँ पर काश्तकारों की जमीन गवा किया, समाज की जमीन पत्ते में की बात से गई हुई बिना तत्कालीन इंस्पेक्टर की परमिशन लिए उसको अपने कब्जे में लेकर के उन्होंने अपने गुलाम का सर निर्माण करा, किसी शिकायत नहीं की, उसकी जाँच कराई गई, जाँच में तथ्य पाए गए और जमीन को शून्य घोषित करते हुए राज्य सरकार ने रजिस्ट किया जा चुका है। आज इस जमीन को हस्तांतरित कराया जा रहा है। उनके विरुद्ध पहले भी FIR लिखाई जा चुकी है, आज जमीन कराई जा रही है। ये करोड़ों संपत्ति पर कब्जा करने बैठे थे और अभी आगे जिस हिसाब से इन्होंने गरीब काश्तकारों को जमीन दबाई है और अभी हाल में दबाव डाल के उनसे एग्रीमेंट को सिर्फ लिखाया गया है, ये संदेह कि माफिया और गैंग गैंगस्टर लोग ही कार्रवाई ऐसी हो सकती है। सर ये लगभग और इसका इवेल्यूशन चल रहा है, थोड़ी देर और बता दिया जाएगा कि लगभग कितने क्या मूल्यांकन है, देख पा रहे रिपोर्ट लगा रहे हैं आप लोग जानकारी देते हैं। हमारी ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।